बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा जो वीलॉग है वो है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उम्मीदों पे, वाबस्तगियों पे। हमारी सोसाइटी में ये अलमिया है, ये हकीकत बात है। मैं ये बात जो कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन ईरान, ये हमारा एक ऐसा रीजन है जिस रीजन के अंदर एक हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक कॉमन नेगेटिव फैक्टर है जिसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेरे तमाम ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरी बात है ये आप अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं, अपने बुजुर्गों पे, अपने जो नई जनरेशन है तमाम के ऊपर ये बात पहुंचाएं ताकि ये इस चीज का कोई काउंटर किया जा सके। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हम अक्सर अक्सर खुद एक काम कर सकते हैं। हम बैठे होते हैं फजूलियात के अंदर, एंगेज होते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम खुद हिलना नहीं पसंद करेंगे। हम किसी को कहें यार जाइए जरा वो नस के काम करके आए, काइंडली कैन यू गो टू हेल्प, कैन यू डू टू दिस थिंग, क्या आप मेरे लिए वो काम कर सकते हो, क्या हो यार वो जाइए जरा। कहने का मतलब यह है कि हम अपना काम दूसरे में छोड़ रहे हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करते, हम उसको कह रहे हैं। अब बात आती है दूसरी बात, एक वो काम है जो मुश्किल है, ऊंचाई है या ऐसी जगह है जहां पे खतरा है, जहां पे करंट पड़ सकता है, जहां से खदशा है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, तो फिर वो काम हम दूसरे को कहें और दूसरे से उम्मीद रखें कि वो हमारे लिए करेगा, उसको कहें यार प्लीज जरा ये इसको काम करो, और तुझे ये काम नहीं हो रहा, जरा काम करके दिखा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है, वो यही है कि हम जो काम मुश्किल तरीन होता है ना, जो हम नहीं कर पाते, हम हमेशा दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए काम करे। तो मैं आपको सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस कंडीशन के अंदर भी हैं, जिस हालत के अंदर भी हैं, अपना काम खुद करें। याद रखिएगा, जब तक आप अपना काम खुद कर नहीं सकते तो दूसरे से मत उम्मीद रखिए। जो काम ये हकीकत है, हमारे कल्चर के अंदर है। फिर उसके बाद हम क्रिम करते हैं, मैंने उसको कहा कि मेरा काम कर दो, उसने मेरा काम नहीं किया, लेकिन कभी सोचा कि वो काम आप खुद कर सकते थे? आप क्यों किसी से गिला करते हो यार, आप क्यों किसी को इस मुसीबत में डालते हो कि जो हकीकत में एक आपकी सेल्फ क्रिएटेड है, आप खुद बना रहे हो। और इस चीज के अंदर हमारे कल्चर के अंदर हकीकत बात यह है कि बहुत ज्यादा एक नेगेटिव फैक्टर है और हमें इसको दूर करने की जरूरत है। और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं, अब देखिए ना कि एक मैं बैठा हूं, मैं फजूल कर रहा हूं, आपने आपको एंगेज किया हुआ है किसी भी फजूल चीज में। मेरा बच्चा है कि वो आता है, वो कहेगा पापा ये आपने वो ले आना, बाहर दुकान से चीज ले आना। अभी बच्चे की उम्र इतनी नहीं है कि वो बच्चा बाहर जाके सेंसिबली को बात भी कर सके। मैं क्या कहूंगा, अपनी जेब से पैसा निकालूंगा, उसको दूंगा, जाओ जाके वो खुद ले आओ, जरा जल्दी से आ जाओ। हालांकि काम किसका है, मेरा, मैं करवा किससे रहा हूं, उस बच्चे से कि जो बच्चा अभी इस तरह समझदार नहीं है। चलो जी फर्ज करिए वो आपका सौदा ले आया, वो सब कुछ पता चला कि वहां पे जो उसने पैसे वापस किए, वो पैसे इतने कब वापस किए, आप फौरन से पहले अपने बच्चे को ओए इधर आ, उसको एक थप्पड़ लगा, इधर एक थप्पड़ लगा, पैसे किधर हैं, पैसे क्यों, तू पैसे खा गया। यानी कि बात सोचिए कि पहली बात कि आपने वो काम जो आपने खुद करना था आपने अपने बच्चे पे छोड़ा। दूसरी बात यह कि इमीडिएटली आप बच्चे के ऊपर डाउट करना शुरू हो गए हो, बच्चे को डांट डपट करना शुरू हो गए हो, बच्चे का दिल तोड़ रहे हो, बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है कि वो सौदा तो ले आया, वो इस अंदाज में लाया होगा कि मेरा पापा जो है ना, मेरा बड़ा जो है या मेरा माँ जो है, वो बड़ी खुश होगी कि बच्चा जो है ना पहली दफा सौदा लेके आ गया। लेकिन उसको क्या पता कि उसको आते ही झटके पड़ेंगे, उसको आते ही थप्पड़ पड़ेगा कि तू पैसे कम क्यों लाया। हकीकत बात ये होती है कि हम लोग खुद एक हिपोक्रेट है। मैं इसमें किसी किस्म की कोई तो ना इस चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा। आप खुद सोचिए क्या ये हम में नेगेटिव फैक्टर है कि नहीं है।
मेजोरिटी अगर आप में नहीं है तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हमारे जो कल्चर के लोग हैं उनके अंदर ये फैक्टर है, ये हकीकत बात है। तो इस फैक्टर को दूर करने के लिए हमें बहुत जरूरत है, हम कभी भी ऐसी चीज जो हमारी अपनी ड्यूटी है वो कभी भी किसी के ऊपर मत छोड़िए। जब आप खुद अपनी ड्यूटी कर लेते हैं ना तो आपको खुद भी सुकून होता है। लेकिन एक और दूसरी चीज जो आप ड्यूटी खुद कर नहीं सकते, आप समझते हो ये मुश्किल है, फिर दूसरे से क्यों करवा रहे हो। मैं अपनी एज ए सोल्जर मैं बात करने लगा हूं कि एक आर्मी का जो सोल्जर होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है कि उसने जंग लड़नी है, उसने आगे जाना है, वो आगे जाएगा अपना मिशन कंप्लीट करेगा। लेकिन जहां पे खतरा है, जहां पे मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा या मुझे गोली लग जाएगी, तो मैं अपने सोल्जर को उठा कर चलो जवानो शाबाश पढ़ जाओ, इसको छोड़ना नहीं है, इसको मारो। और मुझे पता है कि ये इसके अंदर कैजुअलिटीज हो सकती है। बेहतर क्या है कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं लीडर हूं, मेरा लीडर का काम यह नहीं है कि मैं पीछे बैठ जाऊं। इसी वजह से करके याद रखिएगा कि दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी शहादतें टॉप पर हैं, सबसे हाईएस्ट जो रेट ऑफ जो शहादत है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा है, उसकी रेशो है 1:10। आप इमेजिन, हर एट सोल्जर्स के बाद एक आर्मी ऑफिसर्स की जो है ना कैजुअलिटी होती है, वेरस जो दुनिया की एवरेज है 135 से लेकर 160 है। लेकिन क्या है, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या दी जाती है कि देखो जो आपका काम है वो खुद करो, जो आपका काम है कि आपने लीड करना तो लीड करो। इसी तरह मैं दफ्तरों में बात करता हूं, आप ऑफिस में जाते हो, मुख्तलिफ बैंकों में जाते हो, बिल जमा कराने के लिए जाते हो, वहां पे लाइनें लगी हुई हैं, आप थक गए हो, आप कभी एक टांग पर खड़े होते हो, कभी दूसरी टांग पर खड़े होते हो, आपके आगे वाला तो कोई आपको जाने वाला है या उससे आगे जाने वाला है, आप उसको कहते हो यार मेरा ये बिल जमा करा देना, मैं जरा घर जा रहा हूँ। क्या मतलब कि आप वो काम खुद नहीं कर पाते और आप दूसरे के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ आपका वो काम कर दे। फिर जब ये करेंगे, इसके अंदर यही याद रखिएगा मेरी चीज कि आप दूसरे का हक भी मार रहे हो, है कि नहीं, हक भी मार रहे हो। तो इस तरह की चीजों को आप काइंडली अवॉइड कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ये जो आदत है ना कि अपना काम दूसरे पे छोड़ना जो आप खुद कर सकते हो, अपना काम दूसरे पे छोड़ना छोड़ रहे हो जो मुश्किल है आपके लिए वो नहीं कर सकते, और गिले करते हो दोनों साइडों पे, ये खत्म कीजिए। ये आप सबके लिए बहुत है, ये हमारे कल्चर के अंदर है। आई एम टॉकिंग टू पीपल राइट फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। It is in reality. We have a common culture. Culture is the same. Religion, you can differ from the religion. I am not talking religion. I am talking about the culture. So do not ask other what you can do yourself. Same way, do not ask other to do a thing which are very difficult for me to do it. But that is there. That is our culture. Kindly इसको ठीक कीजिए, ये हम सब के लिए बेहतर है। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम, आदाब अर्ज़।